प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने फाइफो और लाइफो मेथड को यूज़ किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। इस वीडियो के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। वेटेड एवरेज के लिए हम वही एग्जांपल यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमने फाइफो और लाइफो मेथड को इम्प्लीमेंट किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। वही एग्जाम्पल है कि यूज़ द वेटेड एवरेज मैथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड ऑन March 31st। 31 मार्च को कंपनी के वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें थ्रू वेटेड एवरेज मेथड। अब इसके लिए जो हमारे पास डेटा गिवन है कि मार्च 31 को कंपनी ने 600 यूनिट्स परचेज किए ₹5 के हिसाब से, 5 मार्च को कंपनी ने 200 यूनिट्स परचेज किए ₹5.10 के हिसाब से, 9 मार्च को वेयर हाउस ने 500 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वेयर हाउस डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेंट्री आती है, जो इन्वेंट्री बाहर से परचेज होती है उस इन्वेंट्री को वेयर हाउस फिर इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जो इन्वेंट्री इशू की जाती है ना उसके साथ प्राइस नहीं होती, बल्कि जो इन्वेंट्री परचेज होती है ना उसी के साथ प्राइस लिखी जाती है। फिर मार्च 11 को कंपनी ने 100 यूनिट्स परचेज किए ₹4.50 के हिसाब से, 16 मार्च को 300 यूनिट्स परचेज किए ₹5.50 के हिसाब से, फिर 20 मार्च को वेयर हाउस ने 250 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और इसी तरह फिर 29 मार्च को 300 यूनिट्स इशू किए गए। ये हमारे पास डेटा है, इसी डेटा के ऊपर हम वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई करते हुए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेजर बनाते हैं। लेजर का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, यहाँ पर डेट लिखी जाती है, फिर पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री की डिटेल होती है, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी हो सकती है, बिल आईडी हो सकती है, या इन्वेंट्री का नाम हो सकता है जो इन्वेंट्री परचेज की या जो इन्वेंट्री इशू की गई। इसके बाद फिर परचेज का कॉलम होता है, फिर इशूड का कॉलम होता है, और फिर बैलेंस का कॉलम होता है। परचेज के कॉलम के अंदर फिर फर्दर 3 कॉलम होते हैं। एक होता है यूनिट का कॉलम कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए गए, फिर रेट का कॉलम होता है कि एक यूनिट का रेट कितना था, फिर टोटल अमाउंट कितनी है, फिर ये जो इन्वेंट्री परचेज की गई है इसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इसके बाद फिर इशूड का कॉलम है, इसके अंदर फिर इसी तरह के 3 सब कॉलम हैं, यूनिट, रेट और अमाउंट। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए गए, एक यूनिट की प्राइस क्या थी और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। फिर है बैलेंस का कॉलम, इसके अंदर फिर 3 सब कॉलम है, यूनिट, रेट और अमाउंट, कि कितने यूनिट्स बैलेंस में पड़े हैं, उनका रेट क्या है और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अब हम इस लेजर के अंदर एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री ये है कि 1 मार्च को कंपनी ने 600 यूनिट्स परचेज किए ₹5 के हिसाब से। तो यहाँ पे डेट आ गई 1 मार्च, 600 यूनिट्स कंपनी ने परचेज किए, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए और एक यूनिट की प्राइस है ₹5। 600 को ₹5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ₹3,000 की ये इन्वेंट्री परचेज की गई। इस डेट के अंदर कोई इन्वेंट्री इशू नहीं की गई, तो इसलिए ये जो इशूड के कॉलम है ये ब्लैंक रहेंगे। और बैलेंस कितना है, बैलेंस हमारे पास यही आ जाएगा क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती, उसके बाद फिर ये डिटेल आती। तो यही हमारे पास 600 यूनिट्स पड़े हुए हैं, एक यूनिट की प्राइस है ₹5 और टोटल अमाउंट बनती है ₹3,000। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट है कि 5 मार्च को कंपनी ने 200 यूनिट्स परचेज किए ₹5.10 के हिसाब से। इसको हम लेजर में एंटर करते हैं, यहाँ पे डेट आ गई 5 मार्च, 200 यूनिट्स परचेज किए गए, एक यूनिट की प्राइस है ₹5.10, 200 को ₹5.10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ₹1,020, ₹1,020 की ये इन्वेंट्री परचेज की गई। अब यहाँ पे इशूड का जो कॉलम है ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री इशू नहीं की गई। और बैलेंस में ये 600 यूनिट वाली इन्वेंट्री हमारे पास पहले पड़ी हुई थी और ये 200 यूनिट वाली इन्वेंट्री और आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि 9 मार्च को वेयर हाउस ने 500 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब हम फाइफो के कॉन्सेप्ट में क्या करते थे कि जो इन्वेंट्री पहले वेयर हाउस के अंदर आई है ना वो पहले इशू की जाती थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हर इन्वेंट्री का एक यूनिट रेट था, उस यूनिट रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इशूड के कॉलम में उसकी एंट्री करते थे। और इसी तरह लाइफो मेथड था कि लाइफो मेथड के अंदर क्या था कि जो इन्वेंट्री लास्ट पे रिसीव हुई है वो सबसे पहले इशू की जाती थी और उसी इन्वेंट्री का हम रेट डाल देते थे इस कॉलम के अंदर। लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पे डेट आ गई 9 मार्च, ठीक है, परचेज का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई परचेजिंग नहीं की गई। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए जो हमने इशू करने, ये है 500 यूनिट्स। अब यहाँ पर यूनिट प्राइस कितनी होगी इसके लिए हम वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड का सिंपल सा फार्मूला ये है, टोटल अमाउंट ओवर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स।
टोटल अमाउंट का मतलब ये कि आपके पास जो इन्वेंट्री बैलेंस में पड़ी हुई उसकी जितनी टोटल अमाउंट बनती है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी बैलेंस में पड़ी हुई है, 3000 की एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है और 1020 रुपए की और इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे हम डालेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, 600 प्लस 200, ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में नीचे आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट ओवर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, 3000 में 1020 को प्लस किया और इसको 800 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा ना ये हमारे पर यूनिट प्राइस होगी और इसका आंसर बनता है 5.02 रुपए। 500 को 5.02 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2512.5। ठीक है, और हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े थे 800 में से 500 यूनिट्स इशू कर दिए गए तो रिमेनिंग यूनिट्स बनते हैं 300, ये हमारे पास 300 यूनिट्स बच गए और एक यूनिट की प्राइस यही बनेगी 5.02। और इसकी टोटल वर्थ कितनी बनती है कि हम अगर 300 को 5.02 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1507.5। तो ये बेसिकली था वेटेड एवरेज मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि मार्च 11 को कंपनी ने 100 यूनिट्स परचेज किए 4.50 रुपए के हिसाब से। अब हम इसको लेजर में एंटर करते हैं, यहाँ पे आगे डेट 11 मार्च, 100 यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट की प्राइस है 4.50 रुपए, 100 को 4.50 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 450 रुपए। अब हमारे पास बैलेंस कितना बना, ये 300 यूनिट्स वाली इन्वेंट्री हमारे पास एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, ये जो 100 यूनिट की नई इन्वेंट्री परचेज की गई है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये हमारा हो गया टोटल बैलेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि 16 मार्च को कंपनी ने 300 यूनिट्स परचेज किए 5.50 रुपए के हिसाब से। अब हम इसको लेजर में एंटर करते हैं, यहाँ पे आगे डेट 16 मार्च, 300 यूनिट परचेज किए, एक यूनिट की प्राइस है 5.50 रुपए और इसकी टोटल अमाउंट बनती है 1650 रुपए। इशूड का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री इशू नहीं हुई। अब हमारे पास बैलेंस कितना बनेगा कि ये 300 और 100 यूनिट वाली इन्वेंट्री एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे 300 यूनिट वाली नई इन्वेंट्री एड होगी, ये हमारे पास अब टोटल बैलेंस बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, यहाँ पे मार्च 20 को वेयर हाउस ने 250 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे हमने इशू करना है तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे डेट आ गई 20 मार्च, यहाँ पे परचेज का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं हुई। अब यहाँ पे हमने 250 यूनिट्स इशू करने हैं और एक यूनिट की अब प्राइस क्या बनेगी उसके लिए हम वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट हमारे पास है ना बैलेंस में इसको हम प्लस करेंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी जो यूनिट्स हम इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है, 1507.5 प्लस 450 प्लस 1650 ओवर 300 प्लस 100 प्लस 300। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो एक यूनिट की प्राइस आ जाती है 5.15, एक यूनिट की प्राइस ये बनती है। तो 250 यूनिट्स हमने इशू करनी है, 250 को 5.15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1288.4, इस वर्थ की हमने इन्वेंट्री इशू कर दी। और अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा कि ये हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने पड़े हुए थे, 300 जमा 100 जमा 100, ये बनते 700 यूनिट्स। 700 यूनिट्स के अंदर हमने 250 यूनिट इशू कर दिए तो यहाँ पे पीछे बच गए 450 यूनिट और एक यूनिट की प्राइस ये बनती है 5.15। 450 को 5.15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2317.5। अब 250 यूनिट्स इशू करने के बाद ये हमारा नया बैलेंस बनता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि क्या हुआ कि मार्च 29 को वेयर उसने 300 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब हम इसको लेजर में एंटर करते हैं, यहाँ पे डेट आ गई मार्च 29, परचेज का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं की गई बल्कि इशू की है। यहाँ आगे 300 यूनिट्स जिसको हमें इशू करना है और एक यूनिट की प्राइस कितनी बनती है उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है कि हमारे पास 450 यूनिट पड़े हुए और एक यूनिट की प्राइस है 5.15। चूँकि यहाँ पे हमारे पास अब और कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई तो इसी इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे और इसी के ही पर यूनिट प्राइस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी होती ना तो फिर हम वही वेटेड एवरेज का फार्मूला यूज़ करते कि टोटल अमाउंट ओवर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे हमारे पास पर यूनिट प्राइस आ जाती। देखिए चूंकि यहाँ पे यही इन्वेंट्री बैलेंस में है तो इसलिए हम यही यूनिट रेट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे।
तो 450 यूनिट के अंदर से 300 यूनिट इशू करने हैं, ₹5.15 के हिसाब से इनकी टोटल अमाउंट बनती है ₹1545। अब यहां पे बैलेंस कितना बनता है कि 450 यूनिट के अंदर से 300 यूनिट इशू कर दिए गए तो रिमेनिंग बैलेंस आता है 150 यूनिट। एक यूनिट की प्राइस है ₹5.15 और इनकी टोटल अमाउंट बनती है 772.5। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। अब 31 मार्च को कंपनी की वेयरहाउस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो है 150 यूनिट और उनकी टोटल वर्थ बनती है ₹772.50। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने वेटेड एवरेज को यूज किया है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि टोटल अमाउंट को आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी वो यूनिट जो आप इशू कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।